हाय एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन, इनकम अंडर द हेड सैलरी। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा वॉल्यूमिनस है क्योंकि इसमें बहुत सारी होता इजी है बट इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, पहले देख लेते हैं कि कंटेंट हमें क्या क्या करना होगा इस सैलरी के चैप्टर में। तो अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट फुल स्क्रीन करके देखें, ऐसे देखें। ओके, सबसे पहले हम इस चैप्टर में करने वाले हैं इम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप के बारे में बातें करेंगे। यू शुड नो कि अगर इम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है तभी इनकम, वो हमारी सैलरी इनकम होती है। फिर हमें पता होना चाहिए कि टैक्सेबिलिटी ऑफ सैलरी ड्यू और रिसीव बेसिस कैसे टैक्सेबल होती है। हम लोग जानते हैं ड्यू और रिसीव, विच एवर इज अर्लियर, यानी कि अगर सैलरी ड्यू हो गई तो भी टैक्सेबल होगी इसी ईयर में, और अगर वो ड्यू नहीं हुई, एडवांस सैलरी थी हमें इस साल रिसीव हो जाती है, आप लोग जानते हैं विच एवर इज अर्लियर, तो मैं इसकी बातें नहीं करूंगा। थर्ड पॉइंट, हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी बनती हैं। ठीक है, हमें जो भी चीज़ें एम्प्लॉयर से मिलती हैं वो हम अपनी सैलरी इनकम बनाएंगे और कितना बनाते हैं। फिर आगे यहाँ पर हम बातें करेंगे बेसिक सैलरी, डीए, बोनस, कमीशन, इन सब की। फिर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है अलाउंसेस का। यहाँ पर अलाउंसेस में हम लोग बातें करते हैं, कुछ ऑफिशियल अलाउंसेस होते हैं, कुछ पर्सनल अलाउंसेस होते हैं। ऑफिशियल अलाउंसेस जनरली वो अलाउंसेस होते हैं जो हमारा एम्प्लॉयर हमें पे तो करता है बट एक्चुअली वो हमारे बेनिफिट के लिए नहीं होते। एम्प्लॉय के बेनिफिट को कोई बेनिफिट नहीं होता उससे, मेनली वो ऑफिस के काम में ही खर्च हो जाता है सारा पैसा। तो ये ऑफिशियल अलाउंसेस जनरली टैक्सेबल नहीं होते हैं, बोथ अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, अगर आप न्यू स्कीम फॉलो कर रहे हैं तभी भी नहीं करेंगे टैक्सेबल, और अगर आप ऑप्शनल टैक्स स्कीम, पुरानी स्कीम फॉलो कर रहे हैं ऑप्शनल, तभी भी हम इसको टैक्सेबल नहीं करते हैं। बट हाँ, अगर कुछ इसमें से सेविंग हो जाती है तो टैक्सेबल होगा। हम देखेंगे कौन कौन से ऑफिशियल अलाउंसेस होते हैं। पर्सनल अलाउंसेस टैक्सेबल होते हैं, पर्सनल अलाउंसेस जनरली टैक्सेबल होते हैं, और इनफैक्ट अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो करेंगे तो फिर तो सभी पर्सनल अलाउंसेस टैक्सेबल होते हैं, इवन एचआरए भी पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है, राइट। बट हाँ, अगर आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम फॉलो करते हैं तो कुछ पर्सनल की हमें कुछ एग्जम्पशन मिल जाती है अलाउंसेस की, जैसे एचआरए की कुछ एग्जेम्पशन मिल जाती है, वो हम देखेंगे, तीन लिमिट्स होती हैं। इसी तरीके से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस, उनकी हम अंडरग्राउंड अलाउंसेस, इन सब की बातें करेंगे हम लोग। तो पर्सनल अलाउंसेस के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए अच्छे से, स्पेशली एचआरए के बारे में और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और दूसरे अलाउंसेस के बारे में भी मैं बातें करूंगा बट ये थोड़े से इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इनके बारे में तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स काफी इंपॉर्टेंट है, सैलरी का क्वेश्चन आएगा तो परक्यूजिट्स आते ही आते हैं। परक्यूजिट्स में हमें रेंट फ्री अकोमोडेशन की कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए, रेंट फ्री हो या फिर कंसेशनल रेंट हो। ठीक, कंसेशनल रेंट की निकालनी बहुत आसान होती है, एक बार आप रेंट फ्री अकोमोडेशन निकाल देते हैं तो कंसेशनल अकाउंट की अकोमोडेशन निकालने के लिए तो सिर्फ जितना भी अमाउंट रिकवर करा है एम्प्लॉय से वो माइनस कर देते हैं, वो आ जाती है। मोटर कार इंपॉर्टेंट परक्यूजिट है। इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल लोन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका हम परक्यूजिट्स की वैल्यूएशन कैसे करते हैं। अगर कोई इम्प्लॉयर का असेट था, वो इम्प्लॉय ने बहुत कम पैसे पे कर कर खरीद लिया तो उसका बेनिफिट हो जाता है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता है, उस असेट की वैल्यू निकालनी पड़ती है, फिर हम चेक करते हैं कि हमने इसके कितने पैसे पे किए, क्या हमें कुछ फ़ायदा हुआ। अगर कुछ फ़ायदा हुआ तो परक्यूजिट आ जाएगा, ईजी है, होती है बिल्कुल बातें। अगर इम्प्लॉयर ने अपना कोई असेट हमें यूज़ करने के लिए दे दिया, फॉर एग्जाम्पल उसने हमें हमारे लिए अपना एसी दे दिया या फर्नीचर उसने हमें प्रोवाइड करा दिया है, ट्रांसफर नहीं करा है, सिर्फ यूज करने के लिए दिया है, टेम्परेरी यूज करने के लिए दिया है, बाद में वो हमसे मांग भी सकते हैं या फिर जब भी हम ये जॉब छोड़ेंगे तब वो हमसे वापस मांग सकते हैं। तो जब तक वो हम यूज कर रहे हैं तब तक का बेनिफिट, वो वैल्यू ऑफ परक्यूजेट हम कैसे कंप्यूट करते हैं उसके बारे में बातें करेंगे। फिर लीव ट्रैवल कंसेशन के बारे में बातें करेंगे। एलटीसी, अगर आप न्यू स्कीम फॉलो कर रहे हैं डिफॉल्ट टैक्स रिजीम तो एलटीसी का बेनिफिट नहीं है, बट हाँ अगर ऑप्शनल ले रहे हैं तो एलटीसी का बेनिफिट है। वो किस किस तरीके से हम लोग बेनिफिट निकालते हैं वो हमें देखना होगा। मेडिकल फैसिलिटीज को किस तरीके से हम टैक्सेबल करते हैं, उसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं, वो अच्छे से हमें आना चाहिए। फिर हम बातें करेंगे अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स की, काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रेच्युटी के बारे में कैलकुलेशन हमें अच्छे से बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन, पेंशन कैसे कंप्यूट करते हैं। लीव सैलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है लीव सैलरी निकालना। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम और रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, ऑल दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल हमें आना चाहिए वीआरएस के लिए, अगर हमें एम्प्लॉयर पे करता है तो किस तरीके से कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है।
प्रोविडेंट फंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इसमें से आरपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए अच्छे से। या फिर स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड है या अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पर भी क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, तो यूआरपीएफ के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब एक काफी इंपॉर्टेंट आया है अग्निवीर, इसे देखिएगा, अग्निवीर कॉर्पस फंड। अग्निवीर कॉर्पस फंड बहुत इजी कैलकुलेशन है, बट हाँ ये अमेंडमेंट है तो इसके बारे में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। इनफैक्ट इसको हम लिंक भी करेंगे, जब हम डिडक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर 80CCH की एक नया सेक्शन आया है, तो उससे हम इससे रिलेट करेंगे, राइट। अग्निवीर कॉर्पस फंड मेनली आपने सुना होगा, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं उनके लिए अब ये अग्निवीर स्कीम आई है, तो उससे उसके में अगर कोई सोल्जर रिक्रूट होता है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट उसके फंड में कुछ पैसे डिपॉजिट करती है, तो उसकी हम टैक्सेबिलिटी देखेंगे। फिर हमें रिलीफ अंडर सेक्शन 89 के बारे में पता होना चाहिए, अगर हमें कोई भी सैलरी मिल जाती है एरियर्स में या एडवांस में, तो हमारा कुछ ज़्यादा टैक्स अगर हम पे करते हैं तो उसका हम रिलीफ मिल जाएगा, 89 का रिलीफ की कंप्यूटेशन हमें आनी चाहिए। और लास्ट है काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है सैलरी में स्पेशली, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर असेसी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है तो हम उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे करेंगे, और अगर वो ऑप्शनल टैक्स स्कीम ले रहा है तो फिर हम उसकी टैक्सेबिलिटी को कैसे करेंगे, राइट। तो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड नो सैलरी के बारे में, तो इतनी चीज़ें। ऑल्दो इसमें और भी चीज़ें मैंने सारे अलाउंसेस यहाँ पर नहीं लिखे, क्लास में अभी हम इस लेक्चर में पूरा डिस्कस करेंगे, बट हाँ HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अलाउंसेस इसलिए मैंने लिखे हैं यहाँ पर। परक्यूजिट्स कुछ मैंने यहाँ पर मेन परक्यूजिट्स ही लिखे हैं जो एक्चुअली हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए, दूसरे परक्यूजिट्स भी इंपॉर्टेंट है, बट हाँ इसकी अगर इंपॉर्टेंस देखें तो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ऑल्दो अभी हम इस लेक्चर में तो सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं अभी देखूंगा कि हो सकता है कि किसी चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कशन करूंगा, तो हो सकता है सैलरी का ये जो चैप्टर है अभी रिवीजन, हो सकता है इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूं या फिर एक ही पार्ट में, ठीक है, वो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से, मैंने अभी डिसाइड नहीं करा है कि ये कितना बड़ा जाएगा सैलरी का रिवीजन। चलिए शुरू करते हैं। ओके, आपके पास बुक ऑलरेडी है, हैंड रिटन बुक, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, rajatmogha.com से डाउनलोड सेक्शन मिलेगा, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं बुक। सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 15, चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी क्या बोलता है कि सब अगर हमें कोई भी इनकम सैलरी में टैक्सेबल करनी है तो देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर। रिसीवर, जो रिसीवर हो वो एम्प्लॉय होना चाहिए, और उसको अपने एम्प्लॉयर से अगर कुछ इनकम मिल रही है तो दैट वी कॉल्ड एज अ सैलरी इनकम बिकॉज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभी हाँ प्रैक्टिकली होता है, कभी कभी एम्प्लॉय कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज रेंडर करता है अपने एम्प्लॉयर को विच इज आउट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो वैसी इनकम फिर हम सैलरी में नहीं लेते हैं, वो वैसी इनकम फिर PGBPI ऑफिस में जा सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जनरली ये आता नहीं है बट फिर भी आपको प्रैक्टिकली पता होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉई, एक फाइनेंस मैनेजर है, उसको फाइनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज है, दैट पर्सन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर ही इज एन MBA इन फाइनेंस या वो फाइनेंस प्रोफेशनल है, बट साथ साथ में उसको खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, वो शेफ भी है, अपने घर के फंक्शंस वगैरह में वो उसी को बोलते हैं कि वो खाना बनाएगा क्योंकि बहुत अच्छा खाना बनाता है। ये बात एम्प्लॉयर को पता चल जाती है, तो एम्प्लॉयर ये बोलते हैं कि बॉस हमारे ऑफिस में एक पार्टी है तो क्या आप वहाँ पर एज अ शेफ, एज अ मेन शेफ की तरह काम कर सकते हैं। एम्प्लॉय कहता है ठीक है सर, वो तो मैं वैसे आपका फाइनेंस मैनेजर बट मैं हाँ ठीक है मैं वैसे काम कर दूंगा, तो उसको बट मैं उसके पैसे चार्ज करूंगा या एम्प्लॉयर उसको उसके पैसे देता है। तो प्लीज बताइए, दिस इज एज पर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, द आंसर इज नो। रिलेशनशिप ऑल्दो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का है बट ये जो पैसे मिल रहे हैं दैट इज आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो ये पैसे उसके जो पैसे मिल रहे हैं वो सैलरी में टैक्सेबल नहीं होंगे बिकॉज दैट इज द सर्विसेज जो उसने रेंडर करी दैट इज नॉट इन एज पर द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो जनरली हमें प्रैक्टिकली पता होनी चाहिए चीज़ें, बट आपके एग्जामिनेशन के लिए तो सिंपल है, जो चीज़ें हमें अपने एम्प्लॉयर से मिलती हैं वो हम सैलरी में टैक्सेबल करते हैं, राइट। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेशनशिप होना जरूरी है, राइट, इंक्लूडिंग एक्स एम्प्लॉयर। एक्स एम्प्लॉयर का मतलब ये होता है कि अगर आप पहले किसी जगह पर काम करते थे जहां पर आप एक्चुअली आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, वहां से रिटायर हो गए बट फिर भी आपको पेंशन मिल रही है, तो इनकेस अगर जब पेंशन भी मिलती है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो रिटायर हो गए और उनको पेंशन मिलती है
अब तो ऑल दो पेंशन मिलना बंद हो गया, बट पहले के जिनका पहले अपॉइंटमेंट हुआ था उनको पेंशन मिलती है, दैट पेंशन इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, उसको भी सैलरी में लेते हैं, यानी कि इंप्लॉयर से या एक्स इंप्लॉयर से, राइट। और अगर ये सैलरी इंप्लॉय को नहीं मिलती है, फॉर एग्जाम्पल इंप्लॉय की डेथ हो जाती है और उसके फैमिली मेंबर्स को पेंशन मिलती है, तो देखिए रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एंड द पेई फिर इंप्लॉयर वाला नहीं रहा, इंप्लॉई नहीं है वो जिसको अब पैसे मिल रहे हैं, उसका फैमिली मेंबर है, उस केस में वो इनकम आईएफओएस होती है, फैमिली पेंशन, वो हम आईएफओएस में भी बातें करते हैं, राइट। ओके, सैलरी इनकम कुड बी मॉनिटरी ऑल्सो नॉन मॉनिटरी ऑल्सो, ये बात आप जानते हैं। नॉन मॉनिटरी का मतलब मेनली जो परक्यूजेट्स मिलते हैं, ज्यादातर जो परक्यूजेट्स होते हैं वो नॉन मॉनिटरी होते हैं, इन काइंड होते हैं, तो सैलरी दोनों तरीके से मिल सकती है आपको और वो टैक्सेबल भी होती है। कितनी टैक्सेबल होती है वो हम देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स टैक्सेबल होते हैं और कुछ कंपोनेंट्स एग्जेम्प्ट भी होते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ सैलरी जैसे कि बेसिक सैलरी मिल जाए आपको, अलाउंसेस मिल जाए, परक्यूजेट्स मिल जाए, बोनस या कमीशन मिल जाए, तो ये सब चीज़ सैलरी ही होती है। इवन अगर स्वेट इक्विटी शेयर्स मिल जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्वेट इक्विटी के बारे में आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो स्वेट इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं, पेंशन मिल रही है, ग्रेटुटी लीव सैलरी अदर बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो ये सब सैलरी हेड में ही आता है। बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको क्यों मिल रही है, बिकॉज यू आर रेंडरिंग सर्विसेज टू योर एम्प्लॉयर। ओके, इंपॉर्टेंट नोट ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एंड द पेई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का होना चाहिए, बट अगर सैलरी मिल रही है किसी पार्टनर को फ्रॉम इट्स पार्टनरशिप फर्म, तो यहाँ पर आपको पता है कि जो उसकी फर्म है वो उसका एम्प्लॉयर नहीं है, मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं है, यहाँ तो ऑब्वियसली जो पार्टनर्स हैं वो ओनर्स ही हैं। तो उस केस में जब सैलरी मिलती है पार्टनर्स को तो वो सैलरी इनकम नहीं होती, हमें पता है वो पीजीवीपी की इनकम होती है, वो हम अपने पीजीवीपी के रिविजन में भी देखेंगे। दूसरी बात है एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इनको जो सैलरी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज ये नॉमिनेटेड है, ये पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ठीक है, इनको इलेक्टेड मेंबर्स हैं ये लोग, तो क्या ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं? द आंसर इज नो, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते, ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, ये तो जनता के नौकर हैं, ऐसे तो बोलते हैं ना जब ये वोट मांगने आते हैं, हम तो जनता के नौकर हैं, तो ये एम्प्लॉय गवर्नमेंट के नहीं है। इनको जो एमपीज और एमएलए को सैलरी मिलती है दैट इज टैक्सेबल अंडर आईएफओएस, नॉट अंडर द हेड सैलरी, बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर जो गवर्नमेंट है और एमपीज और एमएलए हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का नहीं है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं होते। ओके, दूसरी बात आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में क्या डिफरेंस होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है यानी कि आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आप कहीं पर सर्विस रेंडर कर रहे हैं एज एन एम्प्लॉय, दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जब आप का खुद का अपना एक ऑफिस है, लेट्स से आप एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आपको कोई कंपनी रीच आउट करती है, वो कहती है कि सर हमें कंसल्टेंसी प्रोवाइड कीजिए, सर हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट कीजिए, हमारा टैक्स ऑडिट कीजिए, हमें ये सर्विसेज दीजिए, तो आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो प्लीज़ बताइए अगर आप एक प्रैक्टिसिंग सीए हैं तो अगर आप अपने क्लाइंट से जब पैसे लेते हैं तो क्या उसको सैलरी में मानेंगे? द आंसर इज नो, वहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस था, वो आपकी प्रोफेशनल इनकम है, वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होती है, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होता है जब एक सर्विस प्रोवाइडर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक आर्किटेक्ट है, एक लॉयर है, जब अपने वो क्लाइंट्स को सर्विसेज देता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस क्या होता है? जब आप कहीं पर जॉब ज्वाइन करते हैं। ओके, एक कंसेप्ट आता है फॉरगोइंग ऑफ सैलरी वर्सेस सरेंडर ऑफ सैलरी। फॉरगोइंग ऑफ सैलरी होता है जब आप अपनी इनकम ये बोल देते हैं कि आप मुझे मत दीजिए, आप अपनी इनकम को डाइवर्ट कर देते हैं कि आप मुझे ना देकर मेरे किसी फैमिली मेंबर को दे दीजिए, दैट इज कॉल्ड फॉरगोन ऑफ सैलरी। या फिर आप बोलते हैं कि आप मुझे ना देकर आप इस ऑर्फनेज, आप बताते हैं इस ऑर्फनेज को दे दीजिए इनकम, दैट इज फॉरगोन ऑफ सैलरी। तो क्या अगर आपने खुद इनकम नहीं ली, अपनी इनकम को डाइवर्ट कर दिया, तो क्या उस केस में हम आपके ऊपर टैक्सेबिलिटी नहीं बनाएंगे? बनाएंगे, उस केस में भी बनाएंगे। तो अगर आप अपनी सैलरी फॉरगो भी कर रहे हैं तो हम इसको इररिलेवेंट मानते हैं और हम आप ही के हाथों में टैक्सेबल करेंगे, बिकॉज वो आपके हाथों में ड्यू हुई है सैलरी, राइट। दूसरी तरफ क्या होता है? सरेंडर ऑफ सैलरी। सरेंडर ऑफ सैलरी का मतलब ये होता है कि आप कहते हैं अपने एम्प्लॉयर से, जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज करते हैं ऐसा, वो कहते हैं कि सर हम अपनी सैलरी लेंगे ही नहीं, ठीक है, हमें हम यहाँ पर फ्री में जॉब करेंगे, हम अपनी सैलरी गवर्नमेंट को सरेंडर कर रहे हैं, हम ले ही नहीं रहे सैलरी। रेयरली ऐसा होता है, ऐसा कोई करता नहीं है, बट फिर भी
अगर कोई ऐसा कंसेप्ट है जहां पर वो अपनी सैलरी को ले ही नहीं रहा है, वो सरेंडर कर रहा है, वो गवर्नमेंट पूछती है, उसका इंप्लॉयर कहते हैं कि अब हम इस पैसे को क्या करें, इंप्लॉय कहते हैं सर मुझे नहीं पता आप क्या करें, आपकी मर्जी, आप ये पैसे रखें कहाँ पर स्पेंड करें, मैं नहीं बता रहा हूँ इसके बारे में, दैट इज कॉल्ड सरेंडर ऑफ सैलरी। तो अगर सरेंडर ऑफ सैलरी का केस होता है तब हम इम्प्लॉय से कि इनकम नहीं बनाएंगे, उससे टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि अब तो सैलरी उसको मिल ही नहीं रही। क्या वो अपनी सैलरी डाइवर्ट कर रहा है? नहीं, वो तो कह रहा है अपने इम्प्लॉयर से सर मुझे सैलरी ही नहीं चाहिए, दैट इज कॉल्ड सरेंडर ऑफ सैलरी, करेक्ट। तो फॉरगोन ऑफ सैलरी, तो क्रक्स क्या हुआ, समरी क्या हुई, फॉरगोन ऑफ सैलरी टैक्सेबल रहेगी इम्प्लॉय के हाथ में, बट सरेंडर ऑफ सैलरी को हम इनकम नहीं बनाएंगे तो टैक्सेबिलिटी की भी बात नहीं करेंगे, करेक्ट। ओके, अब इम्पॉर्टेंट बात आती है कि हम अपनी सैलरी को कंप्यूट कैसे करते हैं। अब बहुत इजी है सैलरी को कंप्यूट करना। जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है सैलरी के बारे में और आपसे एग्जामिनर पूछता है कि कंप्यूट द सैलरी ऑफ सो एंड सो फॉर दिस असेसमेंट ईयर, राइट, चाहे वो न्यू स्कीम के से रिलेटेड पूछे, चाहे वो ऑप्शनल स्कीम से रिलेटेड पूछे, हमेशा लिस्ट बना लीजिए। सबसे पहले लिस्ट बना लीजिए कि आपको अपने एम्प्लॉयर से क्या क्या मिल रहा है। जो भी क्वेश्चन में आपको, जब भी एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, जितनी भी चीजें क्वेश्चन में लिखी होंगी, लेट से वहां पर लिखा हुआ है बेसिक सैलरी इतनी मिलती है, डीएनएस अलाउंस इतना मिलता है, कोई परक्यूजिट्स दिया हुआ है वो इतने मिलते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है, तो जितना भी क्वेश्चन में चीजें लिखी हुई है सबसे पहले लिस्ट बना लीजिए। सबसे पहले लिस्ट बना लीजिए क्या क्या चीजें मिलती है। अभी ये इतना मत, आगे अमाउंट मत लिखिए, ठीक है, सबसे पहले लिस्ट बना लिया कीजिए, क्योंकि सैलरी का जब क्वेश्चन आता है तो वहां पर चार पांच छह सात चीजें हो सकती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई मिस कर दें, तो हमेशा लिस्ट बना लीजिए, फिर बाद में देखें कि उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी। जैसे बेसिक सैलरी हमें पता है फुली टैक्सेबल होती है, फिर जितना भी मिल रही है आपको पूरे साल में, फिर आप उसको लिख लीजिए कि इतनी सैलरी टैक्सेबल है। तो पहले हमेशा लिस्ट बना लेना चाहिए, फिर बाद में ये देखना चाहिए कि क्या वो टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है, पार्शली एग्जेम्प्ट है। तो हमें पहले हमेशा एक लिस्ट बना ले, पहले इतना वाला एरिया, ठीक है, लेफ्ट साइड वाला एरिया बना ले पहले, राइट साइड वाली कंप्यूटेशन बाद में करें। बाद में मतलब है मेरा, एक बार जब आपकी लिस्ट बन जाए फिर आप देखेंगे कितना इसमें से फुली टैक्सेबल है क्या, ये जो हमें मिला चीज़ें, जैसे हम जानते हैं बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, बोनस और कमीशन, दीज फोर थिंग्स आर ऑलवेज फुली टैक्सेबल, चाहे आप न्यू स्कीम फॉलो करें चाहे आप ऑप्शनल स्कीम फॉलो करें। बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल होती है, डीएनएस अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है, बोनस फुली टैक्सेबल होता है, याद रखिएगा ये चार चीजें, तो हमेशा याद रखिएगा। कमीशन और फीस, कमीशन कैसी भी हो, वेदर इट इज परसेंटेज ऑफ सेल और ऑन परसेंटेज ऑन टर्नओवर हो, परसेंटेज ऑन परचेज हो, फिक्स कमीशन हो, परसेंटेज में फिक्स्ड हो, कैसी भी कमीशन हो, कमीशन इज ऑलवेज फुली टैक्सेबल, राइट, कमीशन और फीस इज ऑलवेज फुली टैक्सेबल। तो देखिएगा कुछ चीजें जो फुली टैक्सेबल हैं उसको पूरा पूरा लिखिए, जो पार्शली टैक्सेबल हैं तो जितना वो टैक्सेबल हैं सिर्फ उतनी वैल्यू लिखनी चाहिए, राइट। तो पहले जब हम सब सैलरी निकाल लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं ग्रॉस सैलरी, तो पहले ग्रॉस सैलरी आएगी, फिर ग्रॉस सैलरी में से हम डिडक्शंस देते हैं अंडर सेक्शन 16, राइट। अब देखिए, अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं, यानी कि न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, राइट। न्यू स्कीम, अगर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि न्यू स्कीम फॉलो करिए, डिफॉल्ट स्कीम फॉलो करिए एज पर 115BAC, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिल जाएगी, बट बाकी जो दूसरी दो डिडक्शंस होती हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट की डिडक्शन, वो न्यू स्कीम में नहीं मिलेगी, डिफॉल्ट में नहीं मिलेगी, वो ऑप्शनल में मिल जाएगी। तो ऑप्शनल में तो तीनों डिडक्शंस आप ले सकते हैं, अभी हम आगे बातें करेंगे कि कितनी कौन कौन सी डिडक्शंस होती हैं, बट ऑप्शनल में आप ले पाएंगे, न्यू स्कीम में सिर्फ एक ही डिडक्शन ले पाएंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन, और डिडक्शन लेने के बाद आपकी आ जाएगी सैलरी इनकम, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा मोटिव है जब हम सैलरी पढ़ते हैं तो हमारी ये वाला अमाउंट तक आने का, राइट। ओके, ये बातें मैं बता चुका हूँ, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी, डीए, बोनस, कमीशन इज ऑलवेज फुली टैक्सेबल, कमीशन या फीस हो, और कमीशन किसी भी तरह की हो, ठीक है, वेदर इट इज ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, परसेंटेज ऑफ परचेज, एनीथिंग, फिक्स कमीशन हो, अमाउंट में फिक्स हो, कैसे भी हो, कमीशन को प्लीज फुली टैक्सेबल करिएगा, राइट। ओके, बेसिक सैलरी आप लोग जानते हैं, कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि बेसिक सैलरी क्या होती है, ठीक है, नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि बेसिक सैलरी इज ऑलवेज फुली टैक्सेबल। हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी कभी ना बेसिक सैलरी आपको ग्रेड पे के हिसाब से भी दी होती है, ग्रेड पे के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से 15,000-500-17,000-1,000 एंड इतना, तो हम इसको कैसे करेंगे ग्रेड पे के हिसाब से, तो हम जानते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ,
लेट्स से हमारा इंप्लॉई है, हमने उसको ग्रेड पे दिया 15,000-500-17,000-1,000-20,000, लेट्स से ये ग्रेड पे है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कभी भी इंप्लॉय ज्वाइन करेगा, ठीक है, तो हम उसको बेसिक सैलरी देंगे 15,000 पर मंथ। तो उसकी जो बेसिक सैलरी होगी वो होगी 15,000 पर मंथ की बेसिक सैलरी होगी। और जब तक उसको एक साल पूरा नहीं हो जाता, जब वो पूरा अपना एक साल कंप्लीट कर लेता है उसको, तब तक तो 15,000 मिलते रहेंगे 15,000 पर मंथ ईच। आफ्टर 12 मंथ्स, जब वो अपने 12 मंथ्स पूरे कर लेगा, ठीक है, जब से उसने ज्वाइन किया था वहां से जब वो 12 मंथ्स अपने पूरे कर लेगा, तो उसकी सैलरी फिर इंक्रीज, यानी कि पूरे अगले टोटल 12 मंथ्स तक तो 15,000 मिलेगी, बट नेक्स्ट ईयर से जब उसका सेकेंड ईयर शुरू हो जाएगा तो सैलरी में 500 की इंक्रीमेंट लग जाएगी। तो फिर सैलरी हो जाएगी उसकी बेसिक सैलरी 15,500 पर मंथ, राइट। और ये फिर अगले टोटल 12 मंथ्स तक ये मिलती रहेगी उसके डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। डेट ऑफ ज्वाइनिंग से देखिएगा, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पहले 15,000 तक पूरा एक साल तक, जब एक साल कंप्लीट हो जाएगा 15,500, इसी तरीके से 500 का इंक्रीमेंट हर साल होता रहेगा। फिर बाद में नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर क्या हो जाएगा, 16,000, फिर 16,500 और फिर 17,000, और ऐसे पूरा साल तक मिलता रहेगा। जैसे ही वो 17,000 को टच करेगा, पूरे एक साल तक 17,000 पर मंथ होती रहेगी, उसके बाद फिर 1,000 के, फिर 500 के इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, फिर 1,000 के इंक्रीमेंट लगेगा, फिर हो जाएगी 18,000, फिर 18,000 पूरे एक साल तक, 18,000 हर महीने 18,000, फिर 19, फिर 20, उसके बाद 20 के बाद क्या होगा, पहले पूरे अगले एक साल तक 20,000 पर मंथ मिलती रहेगी, उसके बाद फिर उसका नेक्स्ट ग्रेड हो जाएगा, ठीक है, जो भी नेक्स्ट ग्रेड उसको मिलेगा फिर वो ऐसे चला जाएगा, राइट। तो आपको ग्रेड पे के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए, कि कभी कभी ऐसा होता है कि इम्प्लॉय बहुत कैपेबल होता है और उसको ना, हम वैसे तो उसको 15,000 पर मंथ पर ज्वाइन कराना था, नॉर्मली तो 15,000 पर मंथ पर ज्वाइन कराना था, बट क्योंकि वो इम्प्लॉय हो सकता है कुछ ज़्यादा क्वालिफाइड हो, ज़्यादा स्किलफुल हो, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है, वो अच्छा इम्प्लॉय हो, तो हो सकता है कि हमने उसको बीच में कहीं पर ज्वाइन करा दिया। फॉर एग्जाम्पल ये बोला जाता है कि उसको हमने 2 इंक्रीमेंट के बाद ज्वाइन कराया। 2 इंक्रीमेंट मतलब 15,500 पर फर्स्ट इंक्रीमेंट, 16,000 पर सेकेंड इंक्रीमेंट, उसके बाद ज्वाइन कराया हमने, यानी कि उसको हम 16,500 से उसको ज्वाइन करा दिया हमने। तो अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है कि हमने उसको 2 इंक्रीमेंट के बाद ज्वाइन कराया, 3 इंक्रीमेंट के बाद ज्वाइन कराया, तो आप अकॉर्डिंगली करेंगे ग्रेड पे में, राइट। तो ये बात आपको याद आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट होता है डीएनएस अलाउंस इज ऑलवेज फुली टैक्सेबल, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है दैट 60% ऑफ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो उसका क्या करना है, उसका यहां पर आपको कुछ नहीं करना है। जब आप डीए कैलकुलेट करें तब तो पूरा का पूरा अमाउंट ही टैक्सेबल होता है, डीए फुली टैक्सेबल होता है। हाँ, जैसे कि हम एचआरए की कंप्यूटेशन करते हैं या प्रोविडेंट फंड की कंप्यूटेशन करते हैं, तो वहां पर लिखा होता है कि डीए को हमें सिर्फ उतना लेना है विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो वहां पर काम आता है, राइट। तो कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे लिखा हुआ है डीए लिखा हुआ है 20,000 पर मंथ और लिखा हुआ है 60% फॉर्मिंग पार्ट, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर ही जब उसका डीए दिखाते हैं तो 20,000 का 60% हो जाता है 12,000, तो सिर्फ 12,000 ही लिखते हैं यहाँ पे कि डीए 12,000 टैक्सेबल होगा। 12,000 × 12 मान लेते हैं पूरे साल का निकाल रहे हैं, तो वो इतना लिख देते हैं, गलती कर देते हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। वो जो फॉर्मिंग पार्ट वाली बात है वो हम किसी ना किसी परक्यूजेट्स के लिए या एचआरए वगैरह की कैलकुलेशन के लिए होती है, राइट। अदरवाइज डीए जितना भी मिल रहा है आपको दैट इज फुली टैक्सेबल, डीए हमेशा फुली टैक्सेबल होगा, ओके। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बोनस मैंने बता दिया आपको, फीस और कमीशन मैंने बता दिया फिक्स, चाहे वो कमीशन फिक्स्ड पर मंथ हो या परसेंटेज में फिक्स्ड हो, कैसे भी हो, हर तरह की कमीशन फुली टैक्सेबल होती है, हर तरह की कमीशन फुली टैक्सेबल होती है। हाँ, जब हम कुछ चीजें निकालते हैं, जैसे इनफैक्ट मैंने एचआरए के बारे में ही बात कर रहा था, जब हम एचआरए निकालेंगे तो हम वहां पर सिर्फ वही कमीशन लेते हैं, उसकी कैलकुलेशन के लिए है वो कैलकुलेशन में काम आती है कि वहां पर हम सिर्फ वही कमीशन लेते हैं जो परसेंटेज ऑफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटर्न बेनिफिट, और कमीशन कितना, फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, वो कमीशन ही लेते हैं वहां पर। बट अदरवाइज कमीशन किसी भी तरह की हो, कमीशन फुली टैक्सेबल होगी। जब आप अपनी कंप्यूटेशन करें, जब यहां पर आप
कंप्यूटेशन कर रहे हो और यहाँ पर आप कमीशन लिखें, तो फिर कमीशन पूरा का पूरा अमाउंट लिखे जितना भी उसको इस साल मिलता है, राइट। ओके, दूसरी बात, एक और चीज होती है एडवांस सैलरी। जब हमें सैलरी एडवांस में मिल जाती है, हम लोग पता है उसको भी हम टैक्सेबल करते हैं, क्योंकि सैलरी का बेसिस क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है टैक्सेबिलिटी का, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। फॉर एग्जाम्पल, हमारी पूरे 12 महीने की सैलरी ड्यू हुई और वो हमें रिसीव भी हुई, तो 12 महीने वाली तो टैक्सेबल होगी। हो सकता है अगले 2 महीने की भी सैलरी हमें एडवांस में रिसीव हो जाए, तो एडवांस सैलरी को भी आप अभी टैक्सेबल कर लेंगे, फिर हम उसको बाद में टैक्सेबल नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी टैक्स हो चुकी है, राइट। तो एडवांस सैलरी आपकी सैलरी होती है और टैक्सेबल हो जाती है जिस साल आपको मिल गई है वो सैलरी रिसीव बेसिस पर। एडवांस अगेंस्ट सैलरी लोन होता है, एडवांस अगेंस्ट सैलरी लोन होता है, करेक्ट। तो एडवांस अगर आपको लिखा हो एडवांस सैलरी, वो तो आपकी इनकम है, वो आप वापस नहीं करते, वो आप बस एडवांस में ले लेते हो, यानी कि वो आपकी इनकम है। एडवांस अगेंस्ट सैलरी क्या होता है, एडवांस अगेंस्ट सैलरी का मतलब होता है लोन आपको मिल जाता है क्योंकि आप वहां पर जॉब कर रहे हैं, क्योंकि वहां से आपकी सैलरी आती है, इसलिए आपको एम्प्लॉयर ने लोन दे दिया, तो दैट इज अ लोन, दैट इज नॉट एन इनकम। वो आप वापस भी करते हैं, वो आपकी सैलरी से डिडक्ट होता रहता है हर महीने, ठीक है, उस तरीके से वो एम्प्लॉयर हमसे रिकवर कर लेता है वापस पैसे वो। तो एडवांस अगेंस्ट सैलरी वो हमारा इनकम नहीं होती, वो हमारा एक लोन होता है जो हमें रीपे बैक करना होता है। हाँ, अगर वो फॉर एग्जाम्पल हमें एडवांस अगेंस्ट सैलरी मिल जाए, लोन मिल जाए, बट उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडाइज हो, कंसेशनल हो, या बहुत कम हो, जीरो हो, तब जो इंटरेस्ट का फायदा हुआ वो आपका परक्यूजेट बनेगा, वो हम देखेंगे इंटरेस्ट फ्री या कंसेशन लोन में, बट एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज योर लोन, वो हमारी इनकम नहीं होती। ओके, सैलरी ड्यू डेट क्या होती है, जनरली अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा एज्यूम करिएगा कि सैलरी ड्यू होती है लास्ट डे ऑफ द मंथ। फॉर एग्जाम्पल अप्रैल है तो 30th अप्रैल को, मे है तो 31st मई को, तो क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा एज्यूम करिएगा कि लास्ट डे ऑफ द मंथ होती है। बट कभी कभी क्वेश्चन ये कह देता है कि सैलरी ड्यू होती है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ या सेकेंड डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, ऐसा बोल देता है। तो इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल अप्रैल की सैलरी है तो वो ड्यू कब हुई, अगर बोल दिया कि फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ होती है, यानी कि 1st मई को ड्यू हुई, ठीक है। मई की सैलरी कब ड्यू हुई, 1st जून को ड्यू हुई। तो इस तरीके से करते करते प्लीज बताइए, अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं दोनों सिनेरियो बता देता हूं। लेट्स से जनरली तो हम हमेशा एज्यूम करते हैं कि सैलरी, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा ये एज्यूम खींचेगा कि सैलरी ड्यू होती है लास्ट डे ऑफ द मंथ, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सी बात है ये, हमारा है प्रीवियस ईयर 2023-24, हमारे 2024 एग्जामिनेशंस के लिए प्रीवियस ईयर 2023-24, यानी कि दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 1st अप्रैल 2023 से लेकर 31st मार्च 2024। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि हमारा ये प्रीवियस ईयर है। अब देखिए, जब मैंने ये बोलता हूँ कि सैलरी हमारी टैक्सेबल होती है ड्यू बेसिस पर या रिसीव बेसिस पर, विच एवर इज अर्लियर, इसको भी जरा एनालाइज कर लेते हैं 2 मिनट। पहले ड्यू ले लेते हैं, मैं बोलता हूँ कि सैलरी टैक्सेबल होती है ड्यू बेसिस पर, तो इसका मतलब ये जो डेट्स है ना, इन डेट्स पर इंक्लूसिव बोथ दीज डेट्स और बीच में जितने भी डेट्स आ रही हैं वो भी, फ्रॉम 1st अप्रैल 2023 से लेकर 31st मार्च 2024 के बीच में, और इसके बीच में जो जितनी भी डेट्स आ रही हैं, अगर हमारी सैलरी इन डेट्स पर ड्यू हो गई तो वो इस प्रीवियस ईयर की इनकम बन जाएगी, राइट। अगर वो 1st अप्रैल को ड्यू हो गई 2023 को तो भी बन जाएगी, अगर वो 31st मार्च 2024 को ड्यू हो गई तो भी बन जाएगी, इसके बीच में किसी भी डेट पर ड्यू हो गई इस साल में तो भी बन जाएगी। बट अगर वो हमारी इनकम ड्यू हुई 1st अप्रैल से पहले, 1st अप्रैल से एक दिन पहले चला जाता हूँ, 31st मार्च 2023 को, तो जी 31st मार्च 2023 तो इस पीरियड में तो आ नहीं रहा है, तो अगर ये इस पीरियड में नहीं आ रहा है तो वो हमारा इस पीरियड नहीं है, वो पिछले साल वाला पीरियड था, वो इनकम हमारी उस ईयर में ड्यू हुई होगी, उस ईयर टैक्सेबल होगी, राइट। तो हमारा प्रीवियस ईयर, बस ये सिंपल सी बात है, ये याद कर लीजिए बस, हमारा प्रीवियस ईयर हमें पता है, ये याद भी करने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर 2023-24 है। तो 1st अप्रैल 2023 से लेकर 31st मार्च 2024 के बीच में जो भी सैलरी ड्यू हो गई वो हमारी टैक्सेबल होने वाली है, और अगर कोई अमाउंट इस साल ड्यू नहीं हुआ है बट वो रिसीव हो जाता है
वो इस साल रिसीव हो गया, जैसे मैं बोल रहा था एडवांस सैलरी आगे की सैलरी है बट वो इसी साल रिसीव हो गई, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं सैलरी को, ड्यू या रिसीव विच एवर इज अर्लियर को हम टैक्सेबल करते हैं। ठीक है, अब इस पर आ जाइए। अगर हमारी सैलरी ड्यू होती है लास्ट डे ऑफ द मंथ, लास्ट डे ऑफ द मंथ को ड्यू होती है, इसका मतलब क्या हुआ? अब मुझे बताइए, मैं आपको एक डेट देता हूँ, एक मंथ देता हूँ मार्च 2023, एक मंथ देता हूँ मैं अप्रैल 23, मई 23, और आगे मैं जा रहा हूँ फरवरी 23, सॉरी फरवरी 24, मार्च 24, अप्रैल 24। अब मुझे जरा बताइए प्लीज, अगर मैं ये कहता हूँ कि सैलरी आपकी ड्यू होती है लास्ट डे ऑफ द मंथ, लास्ट डे ऑफ द मंथ उसी मंथ के आखिरी दिन पे, तो मेरा फर्स्ट मंथ क्या लिया था मैंने, मार्च 23। प्लीज मुझे बताइए लास्ट डे ऑफ द मंथ कौन सा होगा? लास्ट डे ऑफ द मंथ होगा सर इसी मंथ का आखिरी दिन, 31 मार्च 23। ओके, नेक्स्ट मंथ बताइए अप्रैल 23, इसका लास्ट डे क्या होगा? इसका लास्ट डे होगा 31 अप्रैल, तो होता नहीं तो 30 अप्रैल लिख देता हूँ, 30 अप्रैल 23। मई 23 का लास्ट डे क्या होगा? 31 मई 23। ओके, फरवरी 24 का 28 फरवरी, 24 लीव ईयर है तो 29 फरवरी 24। मार्च का बताइए, 31 मार्च 2024। अप्रैल का बता दीजिए, अप्रैल का होगा 30 अप्रैल 24। ठीक है, दिख रहे हैं, क्लियर है? अब प्लीज मुझे बता दीजिएगा, क्या मार्च 23 की सैलरी हम इस साल टैक्सेबल कर सकते हैं? और मैंने आपको बता दिया लास्ट डे ऑफ द मंथ के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, तो लास्ट डे ऑफ द मंथ मार्च की सैलरी ड्यू होती है 31 मार्च 23 को। प्लीज मुझे बताइए क्या 31 मार्च 23 हमारे पीरियड का पार्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है? सर 31 मार्च 23 तो हमारे पीरियड का पार्ट बनेगा नहीं, क्योंकि हमारा पीरियड शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से। इसका मतलब अगर हमें इस वाली सैलरी को इस साल हम टैक्सेबल नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे ईयर में ड्यू नहीं हुई थी, वो लास्ट ईयर ही ड्यू हो गई होगी, प्रीवियस ईयर 22-23 में वो तब टैक्सेबल हुई होगी, तो आप इसको टैक्सेबल मत करिएगा। कि अप्रैल 23 को हम इस साल टैक्सेबल कर सकते हैं? द आंसर इज यस। क्यों? अप्रैल 23 ड्यू हो रहा है 30 अप्रैल 23 को, 30 अप्रैल 23 इस फॉलिंग अंडर दिस पीरियड, तो पता है ना 30 अप्रैल, हाँ सर इसी में आ रहा है, 1 अप्रैल के बाद ही आ रही होगी 30 अप्रैल, तो इसका मतलब अप्रैल वाली सैलरी हमें लेनी है, ये सब लेनी है। अच्छा लास्ट में आ जाइए फरवरी 24 कब ड्यू हो रहा है? 29 फरवरी 24 इस पीरियड में आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी सर, 31 मार्च 2024 तक इनफैक्ट आ रहा है, तो फरवरी वाली सैलरी हमें लेनी है। मार्च 24 की सैलरी कब ड्यू हुई? 31 मार्च 24, हाँ सर लास्ट डे आ तो रहा है, मैंने कहा था ये भी इंक्लूड करेंगे, फिर इसको भी इंक्लूड करें। क्या हम अप्रैल 24 की कब ड्यू हुआ? 30 अप्रैल 24, क्या 30 अप्रैल 24 हमारे वाले पीरियड में आ रहा है? द आंसर इज नो, तो हम इसको भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, लास्ट डे ऑफ द मंथ अगर सैलरी ड्यू हो रही है, और मैंने ये कहा था कि क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो हमेशा एज्यूम कीजिएगा कि लास्ट डे ऑफ द मंथ ही हो रही है। ठीक है, तो प्लीज मुझे बताइए कौन कौन से मंथ आ गए, तो यहाँ पर हम किस किस मंथ की सैलरी टैक्सेबल करने वाले हैं ऑन ड्यू बेसिस, अप्रैल 23 से लेकर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, फरवरी की भी कर लेंगे और मार्च की भी कर लेंगे, यानी कि मार्च 2024। तो इतनी सैलरी तो अप्रैल 23 से लेकर मार्च 24 की जो भी सैलरी है वो तो इसी पीरियड में टैक्सेबल होने वाली है। हाँ, और अगर कोई सैलरी अगर एडवांस में मिल जाती है वो तो ऑब्वियसली फिर उसको भी टैक्सेबल करिएगा, क्योंकि हम जानते हैं ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, राइट। बट अब मैं अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, अब मैं क्वेश्चन को ये बोल देता हूँ कि लास्ट डे ऑफ द मंथ अगर क्वेश्चन ऐसे बोलेगा तभी आप लीजिएगा, अगर क्वेश्चन मेंशन करेगा वो ये कहते हैं कि सैलरी आपकी ड्यू होती है फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, फर्स्ट डे ड्यू होती है फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब प्लीज मुझे बताइएगा मार्च की सैलरी, एक सेकंड दीजिए थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूं, इसको भी सपोर्ट करना पड़ेगा।
ओके अब मुझे प्लीज बताइएगा, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, इसको ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ मार्च 23 की सैलरी कब दी होगी? फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ क्या है? अप्रैल 23। उसका फर्स्ट डे क्या है? फर्स्ट अप्रैल। यानी कि इसकी सैलरी ड्यू होगी फर्स्ट अप्रैल 23 को। अच्छा चलो एक महीना पीछे और चला जाता, फरवरी 23 की सैलरी कब ड्यू होगी? फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ क्या है? मार्च 23। उसका फर्स्ट डे क्या होगा? फर्स्ट मार्च 23। मुझे प्लीज बताइएगा, फर्स्ट मार्च 23 क्या हमारे इस पीरियड में आ रहा है? द आंसर इज नो। यानी कि फरवरी की सैलरी तो हमें लेनी नहीं थी। क्या मार्च 23 की सैलरी ड्यू हो रही है फर्स्ट अप्रैल 23 को? फर्स्ट अप्रैल 23 को ड्यू हो रही है। और हम लोग जानते हैं कि सैलरी टैक्सेबल कर देते हैं, ड्यू और रिसीव व्हिच एवर इज अर्लियर, ड्यू ही पकड़ लीजिए, ड्यू ड्यू हो रही है क्या हमारे पीरियड में? आंसर इज यस सर, फर्स्ट अप्रैल को ड्यू हो रही है। और मैं मान रहा हूँ कि वो फर्स्ट अप्रैल को मिली होगी या फर्स्ट अप्रैल के बाद मिली होगी। जनरली अगर देखा जाए तो ड्यू होने के बाद ही रिसीव होती है, अनलेस एंड अंटिल एडवांस में ना मिल जाए। तो मार्च 23 की सैलरी ड्यू हुई है फर्स्ट अप्रैल को, यानी कि फर्स्ट अप्रैल तो हमारे पीरियड में आ रहा है, किस दिन ड्यू हुई सैलरी? तो इसका मतलब मार्च 23 हमें लेना होगा, ठीक है? मार्च 23, अप्रैल 23, इस तरीके से लेना पड़ेगा। लास्ट में चलते हैं, फरवरी 24 कब ड्यू हुआ होगा हमारा? क्या चल रहा है? फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो फरवरी का नेक्स्ट मंथ क्या है? मार्च। तो हमारा ये ड्यू हुआ होगा नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डे को, फर्स्ट मार्च को, फर्स्ट मार्च 24 को। ओके, मार्च 24 की सैलरी फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ है अप्रैल 24, तो फर्स्ट अप्रैल 24 को ड्यू हुई होगी। ओके, अब जरा बताइए क्या मार्च की सैलरी इस साल ड्यू हुई? द आंसर इज नो, वो तो सर फर्स्ट अप्रैल को हो रही है, फर्स्ट अप्रैल हमारे इस डेट्स में आता नहीं है, इसका मतलब हम मार्च की सैलरी नहीं ले सकते। फरवरी की ले सकते हैं क्या? फरवरी 24 की सैलरी? आंसर इज यस, क्यों? वो फर्स्ट मार्च 24 को ड्यू हुई, फर्स्ट मार्च 24 हमारे इस पीरियड में आएगा, तो इसका मतलब हम मार्च से लेकर फरवरी की सैलरी टैक्सेबल करेंगे। उस केस में अगर सैलरी टैक्सेबल होती है नेक्स्ट मंथ, अगर सॉरी ड्यू होती है फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो जनरली ये आता है हमारे पीरियड मार्च 2023 से लेकर फरवरी 2024। इतनी सैलरी जो हमें सैलरी इस पीरियड की मिली होगी वो सैलरी हमारी ड्यू हो रही है इस पीरियड, ठीक है? तो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, तो आई बिलीव ये बात आपको पता थी, अगर नहीं भी पता थी तो अब आप समझ गए होंगे ये वाली बातें, ठीक है? क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हमेशा अज्यूम करिएगा कि उसी महीने में वो ड्यू हो जाती है लास्ट डे को, बट अगर क्वेश्चन अगर स्पेसिफिकली बोले कि वो फर्स्ट डे या सेकेंड डे, थर्ड डे ऑफ नेक्स्ट मंथ होती है, तो अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। अपना बस पीरियड ध्यान में रखिएगा कि हमारा प्रीवियस ईयर है, बस इतना ध्यान में रखिएगा हमारा प्रीवियस ईयर है 23-24 हमारा प्रीवियस ईयर है। स्टार्ट होता है फर्स्ट अप्रैल 23 को और कहाँ तक जाता है? 31st मार्च 2024 तक, ठीक है? ओके, अलाउंसेस के बारे में बातें कर लेते हैं। देखिए दो तरह के अलाउंसेस होते हैं, एक तो ऑफिशियल अलाउंसेस, एक पर्सनल अलाउंसेस। जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि ऑफिशियल अलाउंसेस होते हैं वो अलाउंसेस जो एक्चुअली यहाँ पर एम्प्लॉय का कोई फायदा नहीं होता, ये एम्प्लॉयर अपने बेनिफिट के लिए ये एम्प्लॉय को बोलता है ये लीजिए पैसे, ये आपका ये अलाउंस है, बट ये ऑफिस के काम में ही खर्च होना है ये पैसा, ये ऑफिस के लिए ही खर्च होता है पैसा। तो यहाँ पर एम्प्लॉय की तो कोई इनकम नहीं हुई ना, उसको एक तरीके से पैसे मिल तो रहे हैं बट वो उसके बेनिफिट के लिए नहीं है। तो यहाँ पर हमारा कोई इनकम जनरेट नहीं हुई है एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय इसके ऊपर टैक्स नहीं देता। बट हाँ, इसमें से अगर कुछ सेविंग हो जाती है, अगर इसमें से कुछ हमारी सेविंग हो जाती है तो वो सेविंग टैक्सेबल हो जाती है। तो ऑफिशियल अलाउंसेस जनरली टैक्सेबल नहीं होते अंडर बोथ द टैक्स रिजीम, वेदर यू आर फॉलोइंग डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, इधर यू आर फॉलोइंग ऑप्शनल टैक्स रिजीम, दोनों में से किसी भी इसको टैक्सेबल मत करिएगा, राइट? जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है? इट इज नॉट ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है घर से ऑफिस, ऑफिस से वापस घर, वो पर्सनल अलाउंस होता है, ठीक है? आप घर से जा, आपको लेके जा रहे हैं, ठीक है, वो उसके पैसे मिल रहे हैं आपको, तो क्योंकि घर से अगर आप जा रहे हैं ऑफिस तक तो वो तो आपकी पर्सनल ऑब्लिगेशन थी ना, आपको खुद जाना चाहिए ऑफिस तक, राइट? जब स्कूल जाते थे, ठीक है, जब हम छोटे थे स्कूल जाते थे तो हमें खुद जाना पड़ता था स्कूल। खुद जाने का मतलब है हमारे पेरेंट्स हमें लेकर जाते थे या फिर कुछ अरेंजमेंट करते थे, ठीक है, राइट? या फिर स्कूल बस भी होती थी, स्कूल बस को हम पैसे दे देते एक्स्ट्रा, राइट? स्कूल की जिम्मेदारी नहीं होती थी आपको घर से लेकर आने की, इसी तरह ऑफिस की भी जिम्मेदारी नहीं है आपको घर से लेकर आने की एम्प्लॉय को, करेक्ट? समझ में आ रहा है?
तो वो एक पर्सनल अलाउंसेस होते हैं। पर ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है? ट्रैवलिंग अलाउंस होता है कि जब आपको ऑफिस के काम से आपकी सिटी के बाहर भेजा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जॉब है, लेट्स से यू आर वर्किंग इन दिल्ली, आप दिल्ली में काम कर रहे हैं, आपका ऑफिस भी दिल्ली में है, ठीक है, जनरली आप दिल्ली में काम करते हैं, बट कुछ टाइम के लिए वन वीक का कोई प्रोजेक्ट है जहां पर आपको मुंबई जाना है, तो मुंबई जाने की जिम्मेदारी अब आपके एम्प्लॉयर की है, आपको वो लेकर जाएगा, ठीक है, या फिर आपको भेजने का अरेंजमेंट करेगा या आपको पैसे देगा। दैट इज कॉल्ड ट्रैवलिंग अलाउंस, जब आप आउटसाइड द सिटी ऑफिस के पर्पज के लिए जाते हैं। और कभी कभी विद इन द सिटी भी ट्रैवल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी दिल्ली में जॉब है, ठीक है, दिल्ली में अलग अलग प्लेसेस हैं, जैसे मैं कुछ प्लेसेस के नाम ले रहा हूँ जो दिल्ली के आसपास या दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा, ठीक है, जो लोग थोड़ा दूर रहते हैं जिनको ज्यादा प्लेसेस नहीं पता कोई बात नहीं, सुन लीजिए, ये सब दिल्ली के प्लेसेस के नाम है। तो फॉर एग्जाम्पल आपका ऑफिस दिल्ली में कनॉट प्लेस, कनॉट प्लेस में आपका ऑफिस है, और आपको ऑफिस के काम से जाना होता है फॉर एग्जाम्पल साउथ एक्स पार्ट वन, साउथ एक्सटेंशन पार्ट वन एक दिल्ली में जगह है, तो वहां पर आपको जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कनॉट प्लेस से वहां पर आपको साउथ एक्स जाना पड़ा है ऑफिस के काम से, तो दैट इज विद इन द सिटी, उसको कहते हैं कन्वेंस अलाउंस। वो भी कैसा होगा, पर्सनल या ऑफिशियल? ऑफिशियल होगा क्योंकि आप ऑफिस के काम से विद इन द सिटी ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आपको जाना है कनॉट प्लेस से वसंत विहार या फिर रोहिणी या प्रीतमपुरा, ये सब दिल्ली में जगह है अलग अलग, तो अगर आप इस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं तो ये आपकी ऑफिस की जिम्मेदारी है आपको पैसे देना, राइट, या फिर ऑफिस की जिम्मेदारी आपके लिए अरेंज करना ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज आप ऑफिस के काम से विद इन द सिटी ट्रैवल कर रहे हैं। जब विद इन द सिटी करते हैं उसको कहते हैं कन्वेंस अलाउंस, जब आउटसाइड द सिटी ट्रैवल करते हैं उसको कहते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। दोनों ही ऑफिशियल अलाउंसेस हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस भी और कन्वेंस अलाउंस भी, राइट। डेली अलाउंस क्या होता है? डेली अलाउंस होता है जैसे कि आपको, आप दिल्ली में ऑफिस था और आपको मुंबई भेजा गया, ठीक है, आपको 7 डेज के लिए मुंबई भेजा गया, तो वहां पर आपका सारा जो खर्चा है वो मेनली आपका एम्प्लॉयर ही करेगा, तो वहां पर आपको वो अलग से पर डे के पैसे दे देता है कि ये लीजिए 1000 रुपीज पर डे आपका खाना पीने का खर्चा होगा, रहने का खर्चा होगा, तो ये आपका अलाउंस दे रहे हैं, तो वो भी कौन सा खर्चा है? आपका ऑफिशियल अलाउंसेस है, दैट इज कॉल्ड डेली अलाउंसेस, सॉरी, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस, दीज ऑल आर ऑफिशियल अलाउंसेस। कन्वेंस, हेल्पर अलाउंस, हेल्पर अलाउंस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग मार्केटिंग की जॉब करते हैं, जो मार्केटिंग की जॉब करते हैं उनको बहुत सारा सामान लेकर जाना पड़ता है डेमो पर्पस के लिए, कस्टमर के, क्लाइंट के यहाँ पर जाते हैं, वो उसका डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, ठीक, तो वो इतना सारा सामान खुद मैनेज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग वाला एक बंदा जा रहा है, उसके पास बाइक है, टू व्हीलर है, वो जा रहा है उस पर, तो उसके लिए एक हेल्पर भी अरेंज करना एम्प्लॉयर की ही जिम्मेदारी है, तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है उसको हेल्पर अरेंज करके दे साथ में, जो उसके साथ उसका सामान कैरी कर सके, जब वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया तो उसकी हेल्प कर सके, राइट, दैट इज कॉल्ड हेल्पर, इट इज नॉट सर्वेंट। सर्वेंट क्या होता है? सर्वेंट हमारा पर्सनल डोमेस्टिक काम के लिए होता है, सर्वेंट अगर अलाउंस दिया गया वो होता है सर्वेंट अलाउंसेस पर्सनल, पर ये क्या है? हेल्पर, हेल्पर का मतलब होता है ऑफिस, ऑफिस के पर्पस के लिए, फॉर ऑफिशियल पर्पस वो आपकी हेल्प कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड हेल्पर अलाउंसेस, वो आपका आपका ऑफिशियल अलाउंसेस होता है। एकेडमिक अलाउंस या रिसर्च अलाउंस, स्पेशली फॉर एग्जाम्पल हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, हमारे यहाँ साइंटिस्ट्स हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं, तो हम उनको रिसर्च अलाउंस देते हैं, उनको बहुत अलग अलग केमिकल्स की जरूरत होती है, उसके लिए हम उनको पैसे देते हैं कि आप इसको अरेंज कर सकते हैं केमिकल्स वगैरह को, जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो रिसर्च अलाउंसेस के लिए, एकेडमिक अलाउंस, बुक्स वगैरह की जरूरत हो वो आप ले लीजिए, दैट इज फॉर ऑफिशियल पर्पस, ऑफिशियल अलाउंसेस। या यूनिफॉर्म अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस होता है फॉर एग्जाम्पल हमारी फैक्ट्री है, हमारा बिजनेस है, और वहाँ पे एक ड्रेस कोड है, उसमें आना पड़ता है, तो ऑफिस ने कहा है कि आप इसी ड्रेस कोड में आएंगे, आप इसी तरह की, इस कलर की, फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर की आप शर्ट पहनेंगे, डार्क ब्लू कलर की ट्राउजर्स पहनेंगे, आप इस तरीके से आएंगे, तो एम्प्लॉयर ही वो आपको यूनिफॉर्म देता है, और अगर वो यूनिफॉर्म नहीं दे रहा है उसके बदले यूनिफॉर्म अलाउंस दे रहा है, दैट इज अगेन अ ऑफिशियल अलाउंसेस। ये सब ऑफिशियल अलाउंसेस होते हैं, और इसको आप अगर आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं तो भी इसको एग्जेम्प्ट करिएगा, न्यू टैक्स स्कीम फॉलो कर रहे हैं, सॉरी न्यू टैक्स स्कीम या ऑप्शनल टैक्स स्कीम, दोनों रिजीम में ही एग्जेम्प्ट रहेगा, बट हाँ अगर कुछ सेविंग हो जाती है, कुछ सेविंग हो जाती है तो टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया, ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस दिया आपको 2000 रुपीज का, और उसमें से आपने 1500 के एक्सपेंसेस करे, 500 की सेविंग हो गई, तो 500 अगर पैसे बच गए, या तो एम्प्लॉयर आपसे वापस ले लेगा, अगर वापस ले लेगा फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो इनकम नहीं हुई, बट अगर वो आपके आप पैसे वो रिटेन कर लेते हैं, राइट, या फिर उसको उतने बिल नहीं देते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसने 2000 रुपीज दी और आपने सिर्फ 1500 के बिल दिए, तो 500 आपकी सेविंग हो गई, तो दैट इज वुड बी टैक्सेबल। सर इनकम टैक्स ऑफिसर को कैसे पता चलेगा? मैं हम लोग जेन्युइनली अभी कर रहे हैं बातें कि मान लेते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर को पता है बातें, जितनी भी सेविंग हो जाती है उसको आप टैक्सेबल करिएगा।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है पर्सनल अलाउंसेस की. पर्सनल अलाउंसेस आर फॉर द एम्प्लॉई बेनिफिट, ये एम्प्लॉई के बेनिफिट के लिए होते हैं. और ये जो अलाउंसेस मिलते हैं ये मॉनेटरी फॉर्म में मिलते हैं, आपको पैसे के फॉर्म में मिलते हैं. तो पर्सनल अलाउंसेस इज टैक्सेबल, पर्सनल अलाउंसेस टैक्सेबल होते हैं क्योंकि एम्प्लॉई का इसमें बेनिफिट हो रहा है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ पर्सनल अलाउंसेस हैं, हाउस रेंट अलाउंस. हाउस रेंट अलाउंस इज अ पर्सनल अलाउंस. आपके पास जनरली इसका अलाउंसेस होते क्या, अलाउंसेस होते हैं कि एक्चुअली किसी पर्पस के लिए एम्प्लॉयर पे करता है, बट जरूरी नहीं है कि आप उसी पर्पस के लिए ही इसको स्पेंड करें. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाउस रेंट अलाउंस हमें मिल गया तो हम इसके ऊपर, इसके लिए हम रेंट ही पे करेंगे इससे. नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको खर्च ही ना करें, राइट. तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दो एम्प्लॉय हैं, एक एम्प्लॉय का ऑलरेडी उसी शहर में घर है, एक एम्प्लॉय को उस शहर में घर नहीं है. तो जिसका घर नहीं है वो रेंट पर रह रहा है, कि हम उसको एचआरए देंगे, तो ऐसा नहीं होता है. कंपनी की पॉलिसी एचआरए देना तो वो यूनिफॉर्मली सभी लोगों को देती है. आप उस, वो उसका एंड यूज नहीं देखती है, आप इसको पैसे कहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं, राइट. तो दीज आर अलाउंसेस जहाँ पर हम देख आपको पैसे, जैसे डीएनएस अलाउंस होता है. डीएनएस अलाउंस मेनली होता है कि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, इसलिए हम आपको डीएनएस अलाउंस दे रहे हैं. तो क्या जरूरी है कि आप उस पैसे को सिर्फ महंगाई के लिए खर्च करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, राइट. तो अलाउंसेस दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, दे आर पार्ट ऑफ योर सैलरी, वो सैलरी के साथ दिए जाते हैं, उसका एंड यूज नहीं देखा जाता. दीज आर अलाउंसेस, राइट. बट हाउस रेंट अलाउंस क्या है, कि पर्सनल अलाउंसेस है, ठीक है. आप इस चाहे तो आप इससे अपना, अगर रेंट आप पे करते हैं तो आप रेंट पे कीजिए, अदरवाइज आप अपने पास रखिए पैसा. ये या फिर ऐसा नहीं है कि हम जितना पैसा देंगे आप उतना ही रेंट पे करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है. लेट्स से अगर किसी की सैलरी, बेसिक सैलरी 60,000 पर मंथ है और उसका हाउस रेंट अलाउंस 5,000 पर मंथ है, तो उसको 65,000 मिलते हैं. अगर वो रेंट पर रहता है तो क्या वो 5,000 के पर मंथ का रेंट पे करेगा? ऐसा कुछ नहीं होता है. उसको 10,000 का रेंट एक घर मिलता है, वो 10,000 पे करता है, 20,000 पे करता है, वो उसकी मर्जी है, राइट. तो एचआरए या फिर हो सकता है वो रेंट ही पे नहीं करता, करेक्ट. तो ये जितने भी अलाउंसेस होते हैं उसका एंड यूज नहीं देखा जाता, सिर्फ हम उसको पैसे, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी होती है वो तो सभी इंप्लॉयज को देती है वो इतना अमाउंट. ओके, तो हाउस रेंट अलाउंस इज अ पर्सनल अलाउंस. क्या ये फुली टैक्सेबल होगा या फुली एग्जेम्प्ट होगा? अब यहाँ पर पर्सनल अलाउंसेस के बारे में एक थंब रूल ये है कि अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं, अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं, यानी कि न्यू टैक्स स्कीम 115BAC, तो पर्सनल अलाउंसेस आर फुली टैक्सेबल. हाउस रेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल कर दीजिएगा, यानी कि यहाँ पर ईजी हो जाता है. जो हमें हाउस रेंट अलाउंस में एग्जम्पशन पढ़ते हैं ना, जो मैं अभी आपको पढ़ाने भी वाला हूँ, ठीक है. एक्चुअल एचआरए रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40% या 50% ऑफ सैलरी जो हम लोग पढ़ते हैं एचआरए में, वो हम ऑप्शनल के लिए लगाएंगे. अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे क्वेश्चन पेपर आता है वहाँ पर हमसे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के बारे में पूछा जाता है, तो प्लीज़ पर्सनल अलाउंसेस को फुली टैक्सेबल करिएगा. सिर्फ एक अलाउंस होता है जो एग्जम्प्ट हो सकता है, वो है होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस. ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और वो भी सिर्फ हैंडीकैप एम्प्लॉय के लिए, ठीक है. हैंडीकैप एम्प्लॉय के लिए, ब्लाइंड डेफ या डम एम्प्लॉयज के लिए वो एग्जेम्प्ट होता है अप टू 3,200 पर मंथ. पर वो दोनों स्कीम में होता है, वो दोनों स्कीम में सेम है. ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी कि न्यू टैक्स रिजीम में, सिर्फ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन अलाउंसेस अलाउड होता है, और वो भी फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए, ब्लाइंड डेफ एंड डम्प लोगों के लिए 3,200 पर मंथ तक, राइट. 3,200 पर मंथ सेम वाली अमाउंट था, पहले से भी चला रहा था, इस बार भी यही है, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं है इसमें. अदरवाइज सारे पर्सनल अलाउंसेस टैक्सेबल है न्यू रिजीम में, बट हाँ ऑप्शनल रिजीम में कुछ पर्सनल अलाउंसेस एग्जेम्प्ट है, जैसे एचआरए एग्जेम्प्ट है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होता है 100 rupees पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम 2 children ऑप्शनल में. न्यू स्कीम में तो फुली टैक्सेबल है. हॉस्टल अलाउंसेस होता है बच्चों के लिए, हॉस्टल अलाउंसेस न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट में पूरी तरीके से टैक्सेबल करिएगा. ऑप्शनल में हमें पता है 300 rupees पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 children तक एग्जेम्प्ट होता है. ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस अगर एम्प्लॉई हैंडीकैप वगैरह नहीं है, नॉर्मल है बिल्कुल, तो फिर तो फुली टैक्सेबल होता है. दोनों रिजीम में फुली टैक्सेबल है, इधर सी इज फॉलोइंग न्यू टैक्स रिजीम या फिर ऑप्शनल टैक्स रिजीम, दोनों में ही फुली टैक्सेबल रहेगा. हाँ, बट अगर एम्प्लॉई हैंडीकैप्ड है या फिर ब्लाइंड डेफ या डम्प है, तो उस केस में 3,200 पर मंथ तक एग्जेम्प्ट होता है अंडर बोथ द स्कीम, अंडर बोथ द स्कीम. आउटस्टेशन अलाउंसेस, अगर फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय का नेचर इस तरीके का है कि वो मेनली अपने शहर से बाहर ही रहता है, फॉर एग्जाम्पल जो लोग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काम करते हैं जैसे ट्रक ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, तो हम इनको आउटस्टेशन अलाउंसेस
दे देते हैं कि ये बाहर रहते हैं तो इनके कुछ खर्चे होते होंगे, तो क्योंकि उनकी नेचर ऑफ जॉब ही ऐसी है कि उनको बाहर रहना था, तो उनको आउटस्टेशन अलाउंस था, पर्सनल अलाउंसेस। अगर आप ऑप्शनल स्कीम फॉलो कर रहे हैं तो इसमें से कुछ एग्जेम्प्ट होता है, वो अभी हम पढ़ेंगे। 70% ऑफ सच अलाउंस और 10,000 रुपीज पर मंथ, वो हम लोग पढ़ लेंगे। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, तो फिर फुली टैक्सेबल करिएगा। अंडरग्राउंड अलाउंसेस फुली टैक्सेबल होते हैं न्यू टैक्स रिजीम में, ऑप्शनल टैक्स रिजीम में 800 रुपीज पर मंथ तक एग्जेम्प्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। ट्रांसपोर्ट अलाउंस वैसे होता क्या है, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर वापस आने के लिए जो आपको अलाउंस मिलता है। एचआरए अलाउंसेस अगर असेसी फॉलो कर रहा है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, जिसको हम न्यू टैक्स रिजीम या 115 BAC भी बोलते हैं, तो प्लीज एचआरए को फुली टैक्सेबल कर दीजिएगा, एचआरए को फुली टैक्सेबल कर दीजिएगा। बट हाँ, अगर असेसी ऑप्शनल टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है तब ये एग्जेम्प्ट होता है। कितना एग्जेम्प्ट होता है, एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1013A में। सेक्शन का नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, जितना भी एचआरए मिला उसमें से एग्जेम्प्ट हो जाता है। बट सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा, सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रिजीम में होगा, सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रिजीम में होगा। राइट, कितना होता है इसकी, तीन हमारे पास पॉइंट्स हैं, उसमें से जो भी लोएस्ट आता है वो एग्जेम्प्ट होता है। फर्स्ट होता है एक्चुअल एचआरए, याद कर लीजिएगा, ये आपको चीजें याद रहनी चाहिए, एक्चुअल एचआरए। सेकंड है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी या 50% ऑफ सैलरी अगर हम रेंट पे कर रहे हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई में। और यहाँ पर सैलरी का क्या मतलब होता है एचआरए में, सैलरी का मतलब होता है रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। इस रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी मैं इसको बोलता हूँ आरबीएस सैलरी बोलता हूँ मैं इसको, ये काफी जगह पर काम आती है इसलिए मैंने इसको नाम रख दिया है इसका आरबीएस, रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। इसमें तीन चीजें आती हैं, बेसिक सैलरी और डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। थर्ड आता है फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर, अगर कमीशन मिलती है वो भी कैसी, फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर पर। तो वैसी तीनों चीजें को ऐड करके हमारी रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी बनती है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट होता है एक्चुअल एचआरए, दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी या 40% ऑफ सैलरी अगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में है हमने रेंट पे करें तो 50% ऑफ सैलरी। आरबीएस में क्या कह लेते हैं, बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया, ठीक है, स्टूडेंट्स का ये अक्सर क्वेश्चन ये रहता है कि सर क्वेश्चन में अगर मेंशन ही नहीं हो कि फॉर्मिंग पार्ट है या नहीं है, तो फिर हम मानेंगे कि फॉर्मिंग पार्ट नहीं है। राइट, फिर आप डीए को नहीं लेंगे, हमें डीए तभी लेना है इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। अगर फॉर्मिंग पार्ट नहीं है तो फिर मत लीजिएगा। राइट, और फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर, कमीशन सिर्फ कौन सी लेनी है, जो फिक्स परसेंटेज हो ऑन टर्नओवर। राइट, ओके, इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब आप एचआरए देखेंगे एचआरए कितना एग्जेम्प्ट करना है, फॉर एग्जांपल आपको 12 महीने का एचआरए मिला था, तो आप ये जो सैलरी भी निकालेंगे तो वो उसी 12 महीने की निकालिएगा। राइट, उसी 12 महीने की, हो सकता है कि आपको कोई सैलरी एडवांस में मिल गई हो सकता है अगले 2 महीने की 3 महीने की सैलरी एडवांस में मिल गई हो, तो क्या उसको भी कंसिडर करना है आरबीएस निकालते समय, द आंसर इज नो। जितने पीरियड का आप एचआरए ले रहे हैं आप उसी पीरियड की सैलरी लेंगे। राइट, सिर्फ उसी पीरियड की सैलरी लेंगे, अगर आपको कोई एडवांस में सैलरी भी मिल गई है प्लीज उसको मत कंसिडर कीजिएगा वाइल कैलकुलेटिंग और आरपीएस सैलरी। तो सैलरी शैल बी कंप्यूटेड ऑन ड्यू बेसिस ओनली, जितना हमें आपको एचआरए का पीरियड है सिर्फ उसी पीरियड की हम लोग यहाँ पर सैलरी लेंगे। कोई भी एरियर एडवांस मिला है प्लीज उसको आरबीएस में कंसिडर मत करना, वो तो वैसे तो टैक्सेबल होती है जब आप अपनी सैलरी की लिस्ट बनाएंगे कि एडवांस सैलरी मिली उसको टैक्सेबल करेंगे, बट जब आप एचआरए की कंप्यूटेशन कर रहे हो उसके लिए जब आप रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी कंप्यूट कर रहे हो उसको प्लीज तब कंसिडर मत करिएगा। ठीक है, आपको पता है अगर रेंट पे नहीं कर रहा है एम्प्लॉय तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा क्योंकि रेंट पे जीरो हो जाएगा, तो 0 माइनस 10% ऑफ आरपीएस नेगेटिव आता है, हम नेगेटिव लेते नहीं है तो ये वैल्यू जीरो हो जाती है। और लीस ऑफ द फॉलोइंग क्या हो जाएगा, जीरो, तो उस केस में तो कोई एग्जम्पशन ही नहीं मिल पाएगी अगर रेंट पे नहीं कर रहा। तो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप प्लीज सॉल्व मत करने लगिएगा, तो थोड़ा सा वहां पर 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए रुककर थोड़ा सा सोच लीजिएगा, क्योंकि रेंट पे अगर नहीं कर रहा है एम्प्लॉय, देखिए सबसे पहले अगर असेसी न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है 115 BAC तो ऑब्वियसली एचआरए पूरा का पूरा टैक्सेबल करेगा, फिर तो कोई बात ही नहीं आती एग्जम्पशन की। बट अगर असेसी ऑप्शनल टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है, आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर में कैसा मिलेगा कि असेसी ऑप्ट आउट कर गया फ्रॉम 115 BAC। ऑप्ट आउट का मतलब वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम को छोड़ आया, यानी कि वो ऑप्शनल टैक्स रिजीम में आ गया है, तो उस केस में एमसीक्यू आ जाएगा क्योंकि इतना सब कुछ एचआरए के बारे में बहुत सारी चीजें देगा, फिर लास्ट में छोटी सी बात बोल देगा बीच में कहीं पर कि
कि असेसी रेंट पे नहीं करता, इंप्लॉय रेंट पे नहीं करता, तो आप प्लीज इतना टाइम अपना वेस्ट मत कीजिएगा सारी कैलकुलेशंस करने के लिए, क्योंकि आपको पता है अगर वो असेसी रेंट पे नहीं करते तो रेंट पे जीरो हो जाएगा, तो इसमें लीज ऑफ द फॉलोइंग तो जीरो हो जाएगा, ऑल दो मैथमेटिकली देखें तो नेगेटिव हो जाएगा, जीरो माइनस 10% सैलरी, बट नेगेटिव नहीं लेते, एग्जम्पशन एग्जम्पशन नेगेटिव में नहीं हो सकती है ना ऑब्वियसली, तो ये जीरो हो जाएगा, तो लीज ऑफ द फॉलोइंग जीरो होगा, तो कुछ भी एग्जम नहीं हो पाएगा, जितना भी एचआरए मिला फुली टैक्सेबल हो जाएगा उस केस में, राइट। और हाँ, जब आप आरबीए सैलरी निकालें तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ड्यूरिंग द ईयर कुछ चेंज हो गया था, फॉर एग्जाम्पल उसकी बेसिक सैलरी में चेंज आ गया था, या डीए में चेंज आ गया था, या कमीशन में चेंज आ गया था, या उसका प्लेस ऑफ जहाँ पर वो रेंट पे करता है, वो किसी मेट्रो सिटी में पहले पे करता था, वो नॉन मेट्रो में आ गया, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई के अलावा कहीं पर आ गया, या पहले नॉन मेट्रो में था अब दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई में आ गया, तो अगर कहीं पर भी आपको पता चलता है कि यहाँ पर चेंज आ गया है, तो आप प्लीज़ अपने एचआरए की जब कंप्यूटेशन करें तो जैसे ही वो चेंज आए उसको स्प्लिट कर दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल चार महीने के बाद चेंज आ गया तो चार महीने की कैलकुलेशन अलग कीजिएगा और बाकी पीरियड की अलग कीजिएगा, तो आई बिलीव ये स्प्लिट करने वाली बात भी आपको याद आ गई होगी, ठीक है। तो एचआरए समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस की। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फुली टैक्सेबल रहेगा डिफॉल्ट स्कीम में, ठीक है। जब भी 115 बीएसी देखें पूरा टैक्सेबल कर दीजिएगा, बट अगर ऑप्शनल टैक्स स्कीम लेता है एसएससी तो 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, बट मैक्सिमम दो चाइल्ड के लिए एग्जेम्प्ट करिएगा, थर्ड चाइल्ड के लिए जितना भी मिलता है फुली टैक्सेबल कर दीजिएगा, सिर्फ दो चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, वो भी मैक्सिमम 100 रुपीज तक एग्जेम्प्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा लिखा जाए, कभी कभी ना एग्जामिनर आपको कन्फ्यूज करेगा, स्पेशली एमसीक्यू में वो आपको ऐसा बोल देगा कि एसएससी के 3 चिल्ड्रन है और उसके लिए उनको मिलता है 240 रुपीज पर मंथ, पर चाइल्ड नहीं बोला, मतलब टोटल बोल दिया 3 चिल्ड्रन के लिए 240 रुपीज मिलता है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या अगर इसमें गलती कर देते हैं, वो कहते हैं कि 100 रुपीज तो एग्जेम्प्ट है, वो इसमें से क्या करते हैं 200 रुपीज पर मंथ एग्जेम्प्ट कर देते हैं और 40 रुपीज टैक्सेबल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल पूरे 12 मंथ्स के लिए मिल रहे हैं तो 40 × 12 कर आंसर ले आएंगे 480 रुपीज का, आपको एक ऑप्शन में 480 भी दिया होगा, बट प्लीज ऐसी गलती मत करिएगा। सबसे पहले देखिए क्या ये पर चाइल्ड के लिए मिलता है या टोटल मिलता है, तो पता चला यहाँ पर लिखा था 3 चिल्ड्रन के लिए 240 रुपीज मिलता है पर मंथ, मतलब तीनों बच्चों के लिए 240 रुपीज है टोटल, 240 पर मंथ, तो ये देख लीजिए हर चाइल्ड के लिए कितना है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छे से ये रहेगा कि आप हर चाइल्ड के लिए देखिए, हर चाइल्ड के लिए ईच चाइल्ड फॉर एवरी चाइल्ड कितना मिल रहा है, तो डिवाइड बाय 3 अगर इसको कर देंगे तो इसका मतलब फर्स्ट चाइल्ड के लिए 80 रुपीज, सेकेंड चाइल्ड के लिए 80 रुपीज और थर्ड चाइल्ड के लिए भी 80 रुपीज मिलते हैं, राइट। 240 तीनों बच्चों के लिए तो 80 80 80 ईच। अब इसमें से एग्जेम्प्ट कितना करेंगे, हम मैक्सिमम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं 100 फॉर वन चाइल्ड, बट अगर मिलता ही 80 है तो फिर 80 एग्जेम्प्ट हो पाएगा, तो फर्स्ट चाइल्ड के लिए 80 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, टैक्सेबल जीरो। सेकेंड चाइल्ड के लिए 100 तक एग्जेम्प्ट हो सकता था बट मिल ही रहा 80 रुपीज, तो फिर 80 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, टैक्सेबल जीरो। थर्ड चाइल्ड के लिए कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा, करेक्ट, तो 80 टैक्सेबल हो जाएगा। टोटल कितना टैक्सेबल हुआ, 80 रुपीज टैक्सेबल हुआ पर मंथ के लिए, और अगर पूरे 12 मंथ्स के लिए मिल रहा है तो 80 × 12 कर दीजिएगा, सॉरी कितना आएगा 960 रुपीज टैक्सेबल हो जाएंगे उस केस में, करेक्ट। तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस न्यू स्कीम में 115 बीएससी में पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है, ऑप्शनल स्कीम में 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड तक एग्जेम्प्ट है, ओनली अप टू 2 चाइल्ड। सेम कंसेप्ट रहेगा हॉस्टल अलाउंसेस में, न्यू स्कीम में फुली टैक्सेबल है, बट अगर ऑप्शनल स्कीम है तो वहां पर 300 रुपीज, वहां पर भी ऐसे करके देख लीजिएगा, तो फर्स्ट चाइल्ड के लिए मैक्सिमम 300 तक, सेकेंड चाइल्ड के लिए मैक्सिमम 300 तक, 300 से ज्यादा मिल रहा है तो 300 एग्जेम्प्ट कीजिए बाकी टैक्सेबल, 300 से कम मिल रहा है तो फिर पूरा एग्जेम्प्ट कर दीजिए, ठीक इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया। तो आई बिलीव ये आप कर लेंगे ना, कोई गलती ना करें यहाँ पर। और चाइल्ड का मतलब ना पूरे इनकम टैक्स में चाइल्ड का मतलब होता है जो हमारे चाइल्ड इंक्लूड नेचुरल चाइल्ड ऑल्सो, चाइल्ड इंक्लूड योर अडॉप्टेड चाइल्ड ऑल्सो, इवन स्टेप चाइल्ड भी चाइल्ड की डेफिनेशन में आता है पूरे इनकम टैक्स में, जहां पर भी चिल्ड्रन की बातें होती हैं वहां पर इंक्लूड करता है अडॉप्टेड और स्टेप चाइल्ड भी, ग्रैंड चिल्ड्रन इंक्लूड नहीं होते हैं यहाँ पर, ठीक है ये बात याद रखिएगा। तो ग्रैंड चिल्ड्रन इंक्लूडेड नहीं होते, स्टेप और अडॉप्टेड चाइल्ड इंक्लूड होता है।
और ये एग्जम्पशन सिर्फ दो बच्चों के लिए मिलती है, अगर वो ट्विंस के भी केस है तो भी दो बच्चों के लिए ही मिलेगी। वो ट्विंस वाली बातें एलटीसी में आती है, वो मैं आपको करा दूंगा। ओके, हॉस्टल अलाउंस का सेम रहेगा, सिर्फ याद रखिएगा 300 पर मंथ तक एग्जेम्प्ट होता है, वो भी ऑप्शनल स्कीम में। न्यू स्कीम में डिफॉल्ट रिजीम में तो फुली टैक्सेबल करिएगा, ये 300 100 वगैरह कुछ नहीं होते डिफॉल्ट स्कीम में। आपको पता है डिफॉल्ट स्कीम में तो पूरे के सारे पर्सनल अलाउंसेस टैक्सेबल हो जाते हैं, एक्सेप्ट हाँ ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस दोनों स्कीम में सेम ट्रीटमेंट है। यहां पर अगर एम्प्लॉय ब्लाइंड डेफ डंब या फिजिकली हैंडीकैप्ड है तभी एग्जम्पशन मिलती है। दोनों स्कीम में सेम एग्जम्पशन है। कितनी मिलेगी? मैक्सिमम अप टू 3200 पर मंथ की एग्जम्पशन है, ये दोनों स्कीम में रहेगी। बट अगर एम्प्लॉय ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्लाइंड डेफ डंब कुछ भी नहीं है, नॉर्मल एम्प्लॉय है बिल्कुल, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ प्रॉब्लम, तो उस केस में तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा, दोनों ही टैक्स रिजीम में फुली टैक्सेबल कर दीजिएगा। राइट, आउटस्टेशन अलाउंसेस। आउटस्टेशन अलाउंसेस मिलता किसको है? मेनली ऐसे इंप्लॉयज को जो लोग ऐसी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, ऐसे समझ लीजिए ट्रक ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स को ही आउटस्टेशन अलाउंसेस मिलते हैं। राइट, तो इस केस में अगर ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं तो फुली टैक्सेबल कर दीजिएगा। बट अगर आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं तो इसमें से एग्जम्पशन मिलती है 70% ऑफ सच अलाउंस और 10,000 रुपीज पर मंथ विच एवर इज लोअर की एग्जम्पशन मिलती है। ये मिलती है सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रिजीम में। बट ऑप्शनल टैक्स रिजीम में एक और बात इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी एम्प्लॉय को हम आउटस्टेशन अलाउंसेस भी देते हैं साथ साथ में डेली अलाउंसेस भी देते हैं उसको, डेली अलाउंस तो डेली अलाउंस तो ऑफिशियल अलाउंसेस होते हैं। अगर हम उसको डबल बेनिफिट दे रहे हैं तो डेली अलाउंस तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि वो ऑफिशियल अलाउंस है, बट उस केस में आउटस्टेशन फुली टैक्सेबल हो जाएगा। राइट, तो इन केस बोथ आउटस्टेशन और डेली अलाउंस मिलता है तो फिर डेली अलाउंस को तो फुली एग्जेम्प्ट करिएगा, आउटस्टेशन को फुली टैक्सेबल कर दीजिएगा। बट डिफॉल्ट स्कीम में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप सीधे सीधे आउटस्टेशन अलाउंसेस को उठाकर टैक्सेबल कर दीजिएगा। अंडरग्राउंड अलाउंस, अगर हमारे एम्प्लॉय ऐसा है वो किसी माइनिंग साइट में रहता है, वो उसको अंडरग्राउंड रहना पड़ता है, अनकंजीनियल एटमॉस्फेयर में रहना पड़ता है, उसके लिए हम उसको अलाउंस दे रहे हैं उसको कंपनसेट करने के लिए, डिफॉल्ट रिजीम में फुली टैक्सेबल करिएगा, ऑप्शनल स्कीम में एग्जेम्प्ट हो सकता है अप टू 800 रुपीज पर मंथ तक। ठीक है, छोटे मोटे और अलाउंसेस भी होते हैं, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, हिली एरिया अलाउंसेस, वो प्लीज याद मत कीजिएगा, ना एग्जाम्स में पूछा जाता ना आप उसको प्लीज याद कीजिएगा, क्योंकि वो हर जगह पर वो एल्टीट्यूड वाइज भी चेंज होते रहते हैं, तो कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछता नहीं है। पास्ट एग्जामिनेशन पेपर उठाकर देख लीजिएगा, वो कभी नहीं पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, ऑल्दो वो आपकी स्टडी में दिए हुए, एक बार आप चाहें तो रीड कर लीजिएगा, चाहें तो आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपसे कभी वो पूछे नहीं जाते, क्योंकि वहां पर हिली एरिया अलाउंसेज या एल्टीट्यूड अलाउंसेज भी हर एल्टीट्यूड पे चेंज होता रहता है, वो आपसे नहीं पूछेगा, ऑब्वियसली इतना याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कर सकते हैं तो एक बार पढ़ लीजिएगा, बट आई विल नॉट रिकमेंड कि आप वो पढ़ें। अदर पर्सनल अलाउंसेस, अदर पर्सनल अलाउंसेस टैक्सेबल होंगे, डिफॉल्ट रिजीम में तो हमेशा टैक्सेबल होंगे, और न्यू ऑप्शनल टैक्स रिजीम अगर ले रहे हैं तो भी टैक्सेबल हो जाते हैं अदर अलाउंसेस। सिर्फ ऑप्शनल में ना बस कुछ ही छोटे मोटे अलाउंसेस ही एग्जेम्प्ट होते हैं, जैसे कि एक एचआर एग्जेम्प्ट हो गया, ठीक है, ऑप्शनल टैक्स रिजीम में, एक हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, हॉस्टल अलाउंसेस हो गया, आउटस्टेशन अलाउंसेस हो गए, राइट, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो दोनों स्कीम में एग्जेम्प्ट होता है। अदरवाइज तो दूसरे जितने भी पर्सनल अलाउंसेस होते हैं वो फुली टैक्सेबल कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, कैश अलाउंस, स्प्लिट ड्यूटी अलाउंसेस, स्प्लिट ड्यूटी अलाउंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जो स्पेशली एम्प्लॉयज जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में काम करते हैं, क्योंकि उनको लंच के टाइम पर आना पड़ता है, फिर वो चले जाते हैं घर पर, फिर वापस आते हैं डिनर के टाइम पर, लेट नाइट तक रहते हैं, उनको अपने शिफ्ट में काम करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड स्प्लिट ड्यूटी अलाउंसेस। ओवर टाइम अलाउंसेस फुली टैक्सेबल है, ठीक है, ओवर टाइम क्योंकि किस कैसे मिल रहा है ये? सर ये तो ओवर टाइम, हमने कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं रेगुलर क्लासेस में, सर ये तो ओवर टाइम अलाउंस है, ये तो हमने एम्प्लॉय के लिए ज़्यादा काम किया तो ये हमारे लिए इनकम क्यों बन रही है? अरे बॉस, आप ओवर टाइम करके जो पैसा मिलेगा वो तो आप घर पर ले जा सकते हो ना, उससे आप आराम से घर पर ले जाकर पार्टी कीजिए, तो वो तो आपका पैसा है ना। ठीक है, वहां पर आपने ओवर टाइम किया, कुछ लोग तो जानबूझ कर ओवर टाइम करते हैं, अगर उनका एम्प्लॉयर उनको फैसिलिटी देता है कि हर ओवर टाइम करने के इतने पैसे मिलेंगे, तो वो तो हमारी पॉकेट में जा रहे हैं ना पैसे, हमने काम किया। ठीक है, वो तो नॉर्मल भी आप काम करते हैं तभी भी पैसे मिलते हैं, वो टैक्सेबल हो जाएगा, एक्स्ट्रा काम करके जो पैसे अर्न करते हैं, अर्न तो किया ना आपने, दैट इज द रीजन वो टैक्सेबल हो जाएगा। राइट, मेडिकल अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी परक्यूजेट है, वो हम परक्यूजेट वाले पोर्शन में करेंगे, ये मेडिकल अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस इज फुली टैक्सेबल। राइट, सर्वेंट अलाउंस, हेल्पर नहीं, हेल्पर होता है ऑफिशियल काम के लिए, सर्वेंट होता है डोमेस्टिक सर्वेंट,
है, डोमेस्टिक हेल्प के लिए सर्वेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल, लंच या टिफिन अलाउंस, लंच अलाउंस इज फुली टैक्सेबल, लंच की अगर फैसिलिटी मिलती है तब वो एग्जेम्प्ट होता है, वो 50 rupees पर मील वगैरह की बातें करेंगे परक्यूजेट में, बट लंच अलाउंस फुली टैक्सेबल, क्लोजिंग अलाउंसेस है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, इस तरह के अलाउंसेस फुली टैक्सेबल हो जाते हैं, राइट। फॉरेन अलाउंसेस, फॉरेन अलाउंसेस की बात ना मैंने आपके साथ लास्ट चैप्टर में भी की थी जब मैं आपको रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा रहा था, ठीक है, आपको यहाँ पर दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इंडियन सिटीजन है और वो इंडिया के बाहर पोस्टेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको इंडिया के बाहर पोस्टेड किया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एम्बेसीज वगैरह में वो काम करता है, वो यूएस में रहता है बट वहाँ पर इंडियन एम्बेसी में काम करता है, इंडियन गवर्नमेंट उसको पैसे देती है, तो जितनी भी उसको सैलरी मिलती है दैट इज डीम्ड टू अराइज इन इंडिया, याद आता है सेक्शन 9 था वहाँ पर, डीम टू अराइज इन इंडिया वो टैक्सेबल होती है, बट सिर्फ बेसिक सैलरी टैक्सेबल कीजिएगा, उसको जितने भी फॉरन अलाउंसेज मिलते हैं और या फॉरन परक्यूजेट्स मिलते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं, फॉरन अलाउंसेज फॉरन परक्यूजेट्स एग्जेम्प्ट रहेंगे अंडर बोथ द स्कीम्स। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आता है डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस सैलरी, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस सैलरी सेक्शन 16 है, तीन डिडक्शंस होती हैं ऑप्शनल वालों के लिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट डिडक्शन। बट अगर आप का क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको डिफॉल्ट स्कीम फॉलो करनी है, न्यू स्कीम फॉलो करनी है 115 BAC, तो उस केस में सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन ही अलाउड होती है, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, राइट। ऑप्शनल में तीनों और न्यू स्कीम में डिफॉल्ट स्कीम में सिर्फ एक स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको पता है कितनी मिलती है, जितनी हमारी ग्रॉस सैलरी और 50,000 rupees विच एवर इज लोअर, तो जनरली ग्रॉस सैलरी ज्यादा ही होती है टोटल, बट हाँ कभी कभी अगर ग्रॉस सैलरी कम आ जाए तो फिर उतनी ही स्टैंडर्ड डिडक्शन दीजिएगा, अब ऐसा नहीं कि हमेशा 50,000 देना, विच एवर इज लोअर है, बट हाँ ज्यादातर हमने देखा है 99.99% केसेस में ग्रॉस सैलरी ज्यादा होती है, फिर हम 50,000 ही हमारा आंसर आता है, बट पूरा अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस सैलरी और 50,000 विच एवर इज लोअर। दूसरी डिडक्शन होती है एंटरटेनमेंट अलाउंस की, जो न्यू स्कीम में नहीं मिलेगी, ऑप्शनल स्कीम में मिल जाएगी बट सिर्फ और सिर्फ मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, ऑप्शनल स्कीम में भी, ऑप्शनल स्कीम में सबको नहीं मिलती, ओनली एंड ओनली टू सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलेगी। कितनी मिलती है, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड 20% ऑफ बेसिक सैलरी, या फिर ऐसा कह सकते हैं 20% बोले या फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/5 बोल सकते हैं, 1/5 ऑफ सैलरी या 20% ऑफ बेसिक सैलरी और 5,000 पर मंथ नहीं है, पर एनम नहीं है, फिक्स्ड अमाउंट है 5,000, राइट। इन तीनों में से जो भी लीस्ट होता है उसके एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन देंगे, याद रखिएगा ओनली एंड ओनली टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी नहीं, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, वो भी ऑप्शनल स्कीम में, न्यू स्कीम में ऐसी कोई डिडक्शन नहीं है। टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट की, जिसको हम प्रोफेशनल टैक्स के नाम से भी जानते हैं, अगर टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट पे हुआ है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तभी डिडक्शन मिलती है, ठीक है, एम्प्लॉय ने पे किया है तो भी डिडक्शन मिल जाएगी, एम्प्लॉयर ने पे किया है तो भी डिडक्शन मिल जाएगी, दोनों ने पे किया तो टोटल डिडक्शन मिल जाएगी जितना भी हमारा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पे होना चाहिए, बट फ्रॉम 1 April 2023 टू 31 March 2024 हमारे केस में, राइट। एक बात याद रखिएगा, अगर एम्प्लॉयर ने पे किया है, अगर एम्प्लॉयर ने पे किया तो ये सैलरी का भी पार्ट बनेगा, पहले अगर एम्प्लॉयर ने अगर पे किया तो पहले ग्रॉस सैलरी का पार्ट बनाइएगा, बाद में डिडक्शन दे दीजिएगा, राइट। बट अगर न्यू टैक्स रेजिम फॉलो हो रही है फिर तो ये डिडक्शन मिलेगी नहीं, और सर एम्प्लॉयर ने अगर पे करा हो न्यू टैक्स रेजिम में तो जितना भी एम्प्लॉयर पे करेगा वो तो सैलरी की इनकम बनेगी बनेगी, राइट, बट हाँ बाद में डिडक्शन नहीं मिलेगी न्यू स्कीम में, बट ऑप्शनल स्कीम में मिल जाएगी डिडक्शन, बट एम्प्लॉयर पे कर रहा है याद रखिएगा पहले ग्रॉस सैलरी का पार्ट बनाइएगा, राइट। अब नेक्स्ट बात आती है परक्यूजेट्स की, तो एक काम करते हैं इस वाली लेक्चर को अभी यहाँ तक ही रखते हैं, इस पार्ट वन इसको मैं बोल देता हूँ, अब पार्ट टू हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है, इसका रिविजन परक्यूजेट से शुरू करेंगे, फिर हमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह करने वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।